दिया की रसोई में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे भिंडी दो प्याजा। भिंडी दो प्याजा बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। भिंडी, यहाँ मैंने आधा किलो भिंडियाँ ली हैं, चार मीडियम साइज के प्याज, चार टमाटर, एक इंच अदरक का टुकड़ा, एक हरी मिर्च, कुछ लहसुन की कलियाँ। साथ में हमें कुछ मसाले चाहिए वो इस प्रकार है, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, किचन किंग पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और साथ ही में मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। इसमें मैंने लिया है एक बड़ी इलायची, कुछ चक्रफूल, दो छोटी इलायची, दो लौंग और कुछ दाने काली मिर्च के। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वेजिटेबल बनाना। इसके लिए हम सबसे पहले अपनी भिंडी को लगभग एक इंच के टुकड़ों में कट करेंगे और दो प्याज को बारीक चॉप करेंगे अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन के साथ, और टमाटर को अलग बारीक चॉप कर लेंगे। इस तरीके से हमें एक इंच भिंडी के इस तरीके से टुकड़े कट करने, दो प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची को इस तरीके से बारीक चॉप करना है, दो प्याज को इस तरीके से बड़ा बड़ा चॉप करना है, दो टमाटर को बारीक चॉप करना है, आप चाहें तो इसकी प्यूरी भी बना सकते हैं, और दो टमाटर को बड़ा चॉप करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सब्जी की ग्रेवी बनाना। तो हमारी भिंडी दो प्याजा की ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा तेल और अपनी भिंडी को सैलो फ्राई करेंगे। हम अपनी भिंडी को हल्का सैलो फ्राई करके फ्राई में डालकर हम इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके ढांक के, जब तक ये हल्का सब गोल्डन कलर नहीं आ जाता इन पे, इनको पकाएंगे। इसको ढांक के छोड़ देंगे और ये देखिए हमारी भिंडी अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। अब इसमें हमने जो बड़े बड़े प्याज के पीस कट किए थे उनको डालकर भी दो मिनट के लिए अच्छे से, जब तक ये थोड़ा सा सिक जाए, इतना ही हमें करना है, इसे बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है। गैस की फ्लेम को मीडियम स्लो करेंगे और इसको बस इसका कच्चापन हमारी प्याज का चला जाए इतनी देर ही इसमें सेकना है। ये हमारी प्याज का भी कलर चेंज हो गया है, इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहा है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। हमने अपनी वेजिटेबल को इस तरीके से बाहर निकाल लिया और कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल फिर से ऐड करेंगे। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाता है हम अपने खड़े मसाले डालेंगे। ये देखिए ये गए इसमें खड़े मसाले। जैसे ही हमारे खड़े मसाले हल्के से रोस्ट हो जाते हैं हम इसमें ऐड करेंगे अपना प्याज वगैरह जो हमने चॉप करके रखी थी वो सारी, और अब हम इसका अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको रोस्ट कर लेंगे। और ये देखिए हमारे मसाले का कलर अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को करेंगे स्लो और अपने सभी सूखे मसाले इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम अपने सूखे मसालों को भी अपने बाकी मसालों के साथ अच्छे से रोस्ट करेंगे। अब हम अपने मसालों में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी सूखने तक इसको अच्छे से पकाएंगे। हमारे मसालों में से पानी सूख गया है, अब हम इसमें अपने कटे हुए टमाटर को ऐड करेंगे और इन्हें भी अपने मसाले के साथ अच्छे से पकाएंगे। अब हमारा मसाला अच्छे से पक गया, हमने जो बड़े साइज के टमाटर कट किए थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें भी अच्छे से ढांक कर पका लेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है। और ये देखिए हमारे टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें अपनी जो भिंडी और प्याज हमने पहले फ्राई करके बाहर निकाला था उन्हें भी ऐड कर देंगे और इन्हें अपने मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। और हमारी सब्जी बनकर पूरी तरीके से तैयार है और अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी भिंडी दो प्याजा की सब्जी बनकर पूरी तरीके से तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।